ये वीडियो मैं आज तक का जो स्टिंग हुआ है दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का, वैसे तो बहुत सारे चैनल इस टाइम हॉस्पिटलों का स्टिंग दिखा रहे हैं कि कैसे हॉस्पिटल वाले इस टाइम पे धंधा बना लिया उन्होंने कोरोना के नाम पे, लोगों को डरा के धमका के या झूठ बोल के कैसे पैसा कमाने का इन्होंने इस टाइम खेल बना लिया। तो ये पूरी वीडियो ध्यान से देखना और इस पूरे सच को पूरे देश के सामने लेके आना, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ताकि लोग अपना घर पर ही ध्यान रखें, गरम गरम पानी पिए, हल्दी वाला पानी पिए, आयुष का काढ़ा पिए, मोदी जी ने जो बताए थे नुस्खे उसका पालन करें, हॉस्पिटल ना जाएं, क्योंकि दिल्ली में, मुंबई में, बड़े बड़े प्रदेशों में कोई खेल चल रहा है जो किसी को समझ नहीं आ रहा। तो ये वीडियो पूरी ध्यान से देखो, इसमें अंजना ओम कश्यप जी ने पूरा का पूरा आज तक ने खुलासा किया है कि कैसे दिल्ली के हॉस्पिटलों में खेल चल रहा है। देखते हैं इस वीडियो को। इलाज के बारे में हाँ करते हैं, एडमिट कराना है जगतपुरी से, 3 दिन पहले पॉजिटिव आया था, सेल्फ क्वारंटाइन किया हुआ था, बेड नहीं है, हम मना कर रहे हैं बेड नहीं है। कैश करनी पड़ेगी? बिल्कुल कैश करनी पड़ेगी, हम लोग कैश रहते हैं। इंश्योरेंस क्लेम नहीं है? दिल्ली अनलॉक हुई तो जैसे कोरोना भी अनलॉक हो गया। हालात कुछ ऐसे हैं कि लग रहा है कि दिल्ली में कोरोना विस्फोट हो गया है। हर रोज कोरोना के 1500 के आसपास केस आ रहे हैं। एक तो महामारी, ऊपर से अस्पताल दर अस्पताल भटकती जनता। जी हाँ, दिल्ली में एक शोर मचा हुआ है, लोग कोरोना के मरीजों को लेकर भटक रहे हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा है। ऐसे में लोग डरने लगे हैं, लेकिन हमने इसी डर का पीछा किया ये जानने और समझने के लिए कि आखिर सच्चाई क्या है, दिल्ली के अस्पतालों का आंखें खोल देने वाला सच आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि दिल्ली में कोरोना के मरीज को बेड मिलना सबसे टेढ़ी खीर है। दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल लोगों की जेबों को ताड़ रहे हैं। अगर आपकी जेब में मोटा कैश है तो ही आपको बेड मिलेगा। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में इंश्योरेंस भी नहीं चल रहा है। एक मरीज को भर्ती करवाने के लिए चाहिए 5 से 7 लाख रुपए नकद। चंद अस्पताल दिल्ली के इतने पावरफुल हो गए हैं, सभी पार्टियों के अंदर उनका पहुंच है, ऊपर तक पहुंच है। अंदर प्राइवेट में धमकी दी है उन्होंने कि हम नहीं कोरोना के मरीज लेंगे, जो करना है कर लो। मैं उनको कहना चाहता हूं, कोरोना के मरीज तो लेने पड़ेंगे तुमको। आप लोगों को दिल्ली में अस्पताल बनवाया था पैसे कमाने के लिए, नहीं बनवाया था आपका अस्पताल, आपका अस्पताल बनवाया था दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सख्त चेतावनी के बाद भी अस्पतालों में कुछ और ही चल रहा है। अगर दिल्ली के किसी प्राइवेट अस्पताल में कोरोना मरीज को भर्ती करवाने की बात करो तो मिनट से पहले जवाब आता है, बेड नहीं है, भर्ती नहीं कर सकते। इसलिए अंदर आने भी नहीं, कहती मत, बेड नहीं है, हम मना कर रहे हैं, बेड नहीं है। लेकिन बेड किसे मिलेगा, कोरोना मरीज भर्ती कैसे होगा? आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने पड़ताल की तो सामने आया कि आपकी जेब मोटे कैश से गर्म है तो अस्पताल में बेड भी नरम मिलेगा। यह है साउथ दिल्ली का नामी गिरामी बत्रा हॉस्पिटल। यहाँ जो सच सामने आया आप भी हैरान रह जाएंगे और दिल्ली सरकार को भी देखना यह जरूरी है। आज तक के रिपोर्टर बत्रा अस्पताल पहुंचते हैं और एक कोरोना मरीज को भर्ती करवाने की बात करते हैं, लेकिन बत्रा हॉस्पिटल की एडमिशन सुपरवाइजर पहले तो ये कहते हुए साफ इनकार कर देती है कि उनके पास बेड नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ वो एक मरीज को भर्ती करने के लिए 1 लाख रुपए कैश की बात भी करती है। इतना गला मेरा खराब कर दिया आप लोगों ने, कोविड आप लोगों को मुसीबत मेरी है, मैं ये बिल्कुल मुसीबत है, मैं इसलिए अंदर आने भी नहीं, मैं कहती मत, बेड नहीं है, हम मना कर रहे हैं, बेड नहीं है, आप मेरे पास आए हो इतने विश्वास से, कोई बेड तो मैं दूंगी आपको। पेमेंट देखिए आप जमा करेंगे कौन करेगा, कैश करनी पड़ेगी, कैश करनी पड़ेगी, बिल्कुल कैश करनी पड़ेगी, हम लोग कैश रहते हैं। अच्छा, कितना का बेड देखिए, अगर कौन सा बेड चाहिए, बहुत लोअर वाला है तो सब आइसोलेशन, हाँ। कम से कम 1 लाख हम जमा करा रहे हैं। अच्छा, तो बता दीजिएगा कैसे बुलाएंगे उनको, पेमेंट बता दीजिए, बेड कैसे होगा मैं बुला लेती हूँ। हाँ, मेल और फीमेल दो है, एक साथ है, हाँ, एक वाइफ हस्बैंड है, तो कोई बात नहीं, हम बुला लेंगे, लेकिन 1-1 लाख जमा करना है वो आप बात कर, पेमेंट उनके पास वो है ना, मैंने बहुत कम बताया आपको, हम लोग 2-3 लाख में लेते हैं।
अच्छा आपने शेयरिंग रूम के लिए कम बताया आपने? हमें तो कम बताया कि हम रूटीन में एक एक क्लास में। यानी कोरोना की इस वैश्विक महामारी के बीच इलाज कराना भी लग्जरी हो गया है। बत्रा अस्पताल का सच आपने देखा। अब आपको दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर से चंद कदमों की दूरी पर बने संत परमानंद हॉस्पिटल का सच दिखाते हैं। यहाँ भी जब कोरोना मरीज की भर्ती की बात की तो गेट पर ही कैश मांग लिया गया। साथ ही परमानंद हॉस्पिटल ने भी दो टूक शब्दों में कह दिया कि यहाँ कोई इंश्योरेंस नहीं चलेगा। परमानंद हॉस्पिटल के रेट ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। जनरल बेड के लिए 5 लाख रुपए और आईसीयू के लिए सीधे 7 लाख की डिमांड। मेरे कजन को कोविड पॉजिटिव है, उसको लाना है, क्या करें? क्या नाम है? मोहित गोयल। एडमिट कराना है जगतपुरी से, 3 दिन पहले पॉजिटिव आया था, सेल्फ क्वारंटाइन किया हुआ था, लेकिन अब उसकी बुखार होता है। हाँ, चार्जेस जो अगर आप इकोनॉमी लेते हैं, हाँ, उसका 30,000 पर डे चार्ज है, ये में लगा हुआ है। तो हमारा तो उसमें है, इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस क्लेम नहीं है। और 7 लाख की बात सुनकर चौंकना लाजमी था। अपने नहीं रहे, आप कहीं से बात कर रहे हैं? उन्होंने तो बोला कैश जमा कराना है। इसके बाद हमने इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया कि इलाज कराना है तो कैश तो पहले ही जमा करना होगा। कंडीशन कैसे? बुखार आ रहा है उसको, पहले तो नहीं थे सिम्टम्स, लेकिन 3 दिन से बुखार आना ज्यादा हो गया है। तो वो दे रहे थे, लेकिन 25 साल। अगर पेशेंट स्टेबल कंडीशन है तो हम नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करेंगे, एक आइसोलेटेड वार्ड है। अगर पेशेंट कंडीशन सीरियस है तो आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। आईसीयू का मतलब इनिशियल डिपॉजिट है 7 लाख, नॉर्मल वार्ड का है 5 लाख। यकीन मानिए, दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया था, लेकिन कोरोना महामारी में जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल इसे आपदा में अवसर की तरह देख रहे हैं। मोहम्मद हिजबुल्ला और जमशेद खान के साथ नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक। तो देखा आपने आज तक के इस खुलासे को। मैं पिछले 3 महीने से सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कई वीडियोस डाल चुका हूं WHO, चाइना, कोरोना के षड्यंत्र के नाम से Part 1, Part 2 कई वीडियोस डाल चुका हूं, जो कि भाई राजीव दीक्षित जी के समर्थक और बहुत सारे देशभक्त लोग वायरल भी कर रहे हैं, और लोगों को पूरी नॉलेज मिल रही है कि कैसे अंग्रेज जब चले गए थे भारत से, उसके बाद भी कैसे भारत में एक माहौल बना के चले गए कि आज भी एलोपैथी हमसे खेल खेलती है, केमिकल वाली दवाइयां खिलाई जाती हैं, साइड इफेक्ट होते हैं, लोग मरते हैं और पता ही नहीं चलता, और हॉस्पिटलों ने कैसे लूट का धंधा खोल रखा है। मेरे YouTube की कुछ वीडियोस जो इतनी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें मैंने बताया था कि कोरोना का अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव आता है तो आयुर्वेद की जड़ी बूटियों की दवाइयां हम उसको फ्री देंगे, वो डिलीट कर दी गई। मुझे दुख होता है कि हम कोई सच्ची बात, अच्छी बात लोगों को बताना चाहते हैं तो वो डिलीट क्यों कर दी जाती है। तो मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं, अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव है तो हमारे संस्थान में संपर्क करें, हम उसको आयुर्वेद की जड़ी बूटियों बनी से बनी दवाइयां इम्यूनिटी के लिए बिल्कुल निशुल्क देंगे। जितने भी लोग उसके संपर्क में आए होंगे, क्वारंटाइन के लिए गए होंगे, आइसोलेशन में गए होंगे, उनको लागत मूल्य मात्र पर आयुर्वेद की जड़ी बूटियां उपलब्ध कराएंगे। बस आपको सरकार के बनाए प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, आयुष का काढ़ा पीना है, जो आयुष मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की थी वो करना है, या सरकार का जो भी प्रोटोकॉल है दवाइयों का वो यूज करना है, साथ में आयुर्वेद की दवाइयां लेनी है और पीएच बैलेंस डाइट चार्ट का इस्तेमाल करना है। ध्यान से सुनो, पीएच बैलेंस डाइट चार्ट, जो हमारी बॉडी की एसिडिटी और एल्कलिनी को मेंटेन करके न्यूट्रलाइज करता है। तो पूरी की पूरी सीरीज मैंने पूरी बनाई, जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे पड़ी है, और बहुत सारी वीडियोस ये फेसबुक और यूट्यूब वाले डिलीट भी कर देते हैं। दुख होता है कि वो क्यों ऐसा करते हैं। और मेरे मित्र डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी तो जनवरी से बोल रहे हैं कि कोरोना एक सामान्य फ्लू है, लेकिन इसके नाम पे, इलाज के नाम पे, लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट के नाम पे उनको मारा जा रहा है, भर्ती किया जा रहा है, या उनपे एक्सपेरिमेंट करके गिनी पिग बनाया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो का खुलासा, इस वीडियो में जो मैं आज तक की क्लिप दिखाई वो आप पूरे देश में फैलाएं, ताकि लोग हॉस्पिटल की जगह घर पर रहकर ही आयुर्वेद की बनी जड़ी बूटियों से इलाज करें। और अब वक्त आ गया है
हर व्यक्ति को अपना फैमिली डॉक्टर चुनना चाहिए। आपको कोई भी आयुर्वेद का डॉक्टर अपने इलाके में अच्छा लगता है तो उसको फैमिली डॉक्टर बना लीजिए, और जब भी कभी जिंदगी में कोई तकलीफ आए तो आयुर्वेद में सलाह लीजिए, वो आपको सही सलाह देंगे। और अगर ये वीडियो लगता है, आपको लगता है लोगों के काम आ सकती है, लोगों का भला कर सकती है, तो इसको पूरे देश में फैलाइए ताकि लोगों को भी हॉस्पिटलों का गंदा नंगा नाच पता चले। अभी थोड़ी देर में ही मैं इंडिया टीवी पे डॉक्टर रजत शर्मा ने एक वीडियो बनाई थी, मैं वो भी डाल रहा हूं, जिसमें उन्होंने हॉस्पिटलों के अंदर की सच्चाई दिखाई। वो वीडियो भी आप जरूर देखना, और कोरोना के षड्यंत्र के नाम से पूरी सीरीज देखोगे तो आपको अंग्रेजों का बनाया खेल, WHO का खेल, चाइना का खेल भी समझ आ जाएगा। और इलाज के मामले में इतना बोलना चाहूंगा कि गर्म पानी पिए, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करें, जब भी कोई कोरोना का लक्षण आए तो हल्का खाना खाएं, दूध की बनी चीजें ना लें, और बिस्किट, भुजिया, नमकीन, कोई भी प्रोसेस्ड फूड कुछ दिन तक ना लें जब तक आपके अंदर कोरोना के लक्षण आ रहे हैं। तो ये मैसेज कृपया सब तक फैलाइए। धन्यवाद।